सो मैं और सुबोध जी अभी जा रहे हैं बारबेक्यू की बुकिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी हम बुकिंग करेंगे और संडे को हम लिट्टी चोखा बनाएंगे। और ये जो शोर आप देख रहे हो ना पीछे, यहाँ की MCD घास कट रही है, बेसिकली जो रोड साइड जितने फूल पत्ती है ना उसकी कटिंग कर रही है। सो आप कह सकते हो ये सिंगापुर की MCD है, जैसे कि डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, ये हाउसिंग के लिए कटती है क्या? HDB हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, तो जितने भी फ्लैट्स वगैरह उसके बाहर का ही कटिंग करता है, अंदर भी कट देता है, पूरा साफ सफाई जैसे परसों धूल खिलाई कर रहा था लग रहा है। अच्छा, HDB हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा देखिए, तो अभी यहाँ पे इन्होंने पानी से पूरी धो धा दिया है, क्लीन कर दिया है, नीचे लग रही है इतना साफ सुथरा कर गए लोग, पानी तो चालू छोड़ गए। और इसमें सैर करने का मौका अभी तक मिला नहीं है, बिकॉज हम उठते ही लेट है। यही वाला ना, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस पार्क में हमें सुबह सो के इतना लेट उठते हम। मेरा जो बेसिकली जो टाइमिंग है वो इंडिया के हिसाब से चल रहा है 12-1 बजे का, तो यहाँ वहाँ का 12-1 बजे, यहाँ मेरा 1:30-2 बज जाता है, तो इस हिसाब से उठता हूँ मैं। काफ़ी हरा भरा है ये तो। हम लोग थोड़ा घूमे घूमे करने के लिए बाहर आ गए हैं और मौसम और बादल दोनों ही एकदम साफ क्लियर। कल रात को बारिश नहीं हुई, परसों हुई थी, सो आज Day 3 है सिंगापुर में। एंड अभी हम अभी हम दोनों साइकिल को पार्क करने की जगह देख रहे हैं। बेसिकली अगर आप पार्किंग स्टैंड पे इसको पार्क नहीं करेंगे तो आपका $5 का पेनल्टी है। सो लगभग 310-320 रुपए के आसपास पड़ेगा आपका। सो अभी हम कम्युनिटी क्लब जाएंगे, उससे पहले हमने चारकोल की व्यवस्था कर ली है ताकि कोई दिक्कत ना। अरे भाई भूख लग रही है, कुछ ले लें। हमने बादल बड़ा प्यार हो रखा है यार।
सो यहाँ पर कम्युनिटी क्लब के अंदर होती है बुकिंग एंडरसन सीसी दैट वे और यहाँ पे शाम के टाइम चलाते हैं बड़े पर्दे पर फुटबॉल का मैच। कम्युनिटी क्लब है बेसिकली, यहाँ पे जैसे क्लब होता है उसी टाइप का ये चीज़ है। तो सुबह भाई गए अंदर परमिशन के लिए, तब तक हम लोग यहीं बैठते हैं। दीदी जी लिंक भेजेंगी। अच्छा, और करके फिर पेमेंट लिंक भेजेगी, पेमेंट करना है। अच्छा, उसका पेमेंट भी करना पड़ता है। कस्टमर हर चीज़ के लिए पैसा यहाँ पे भाई फ्री नहीं देते हैं। मोदी जी नहीं है यहाँ पे, केजरीवाल जी नहीं है। काश ऐसा होता, केजरीवाल जी होते हैं कि तुम लोगों के मजे होते। अरे नहीं चाहिए, केजरीवाल या मोदी जो भी फ्री में देता है उसको भगा दो मार के, मत लो फ्री में। फ्री का काम करते ही नहीं है। हाँ। फ्री में तो खाली एक ही काम होता है, हवा लेते हैं फ्री में बस। अरे खुल गया, बादल लग गए भाई और मौसम एकदम हरा भरा हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं बारिश होती हुई दिखाऊंगा आज कि यहाँ की बारिश कितनी खूबसूरत होती है। फिलहाल तो राइड का मजा लेते हैं। चलो किधर आना है? उधर अब एक काम करेंगे। अभी हम आ गए अपने अपार्टमेंट की तरफ और साइकिल पार्क कर दिया वहाँ पे पार्किंग जोन में। हम थोड़ा सा कुछ ग्रोसरी आइटम ले रहे हैं, लोग कुछ मिला हम लोग। यू कैरी ऑन, मैं थोड़ा बाहर का हवा खा लेता हूँ। इस वाले स्टोर में क्या है जो मोस्टली आइटम सारे मिलते हैं आपको, इंडियन वेज आइटम ही रहता है मोस्टली यहाँ पे, ऐसे सुबोध जी बता रहे थे, हम तो ले नहीं पाए। अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे ना बारहवीं की पिट की। अरे बरसा बरसे का, ये है बारबेक्यू पिट, इसको खोलते हैं और यहाँ पे बनेगा लिट्टी चोखा। लिट्टी सेकेंगे यहाँ पे, चोखा तो ऊपर से बना के लाएंगे। एक चीज़ और जो बताने वाला था मैं आपको कि वहाँ पर ना एक जलाने वाला कुछ रखा हुआ है, लेट मी शो यू। काफ़ी मान्यता है उस चीज़ की यहाँ पे। ये सामने की तरफ है, ये इसमें क्या ना, ये लोग यहाँ के जो लोग हैं जलाते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये जो भी इनका सेंट होता है वो इसको यहाँ पे जला देते हैं। इससे क्या इनकी मान्यता है कि ऊपर जो इनके पूर्वज हैं उनको पैसे ऊपर जाके मिल जाते हैं, ऐसा कुछ है इनका मानना।
मौसम एकदम हरा भरा, बादल भी लग गए। मैं इसका टाइम लैप्स जाकर रिकॉर्ड करता हूँ। क्या हवा चल रही है? फोर्थ फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो व्यू है वहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। बादल काफ़ी अच्छे अच्छे हो गए, बड़े बड़े हो गए, सो रिकॉर्ड करेंगे। मोस्टली सभी लोग बालकनी की तरफ आए हुए हैं व्यू के मज़े लेने के लिए। सो 12वें फ्लोर पे 14वां 15वां यहाँ से जो व्यू आता है ना बहुत ही मज़ेदार जायकेदार सुभानअल्लाह माशाअल्लाह वाला व्यू आता है। तो आ गए हम 24th फ्लोर पे, हवा एकदम तेज़ी से। ये स्कूल का भी दिखा रहे हैं। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और बाहर बारिश के टाइम घूमना मना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बिजली बहुत गिरती है। तो हम भी अंदर ही जा रहे हैं लेकिन बारिश बहुत अच्छी है। बाहर बारिश हो रही है और हम इंडिया में है ना चाय पकौड़े खाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको? अरे इंडिया में भी मिलता ही है, ये गार्लिक ब्रेड है। हाँ, हम लोग बना रहे स्पेशल तरीके लौंडे को गार्लिक ब्रेड। अच्छा, लौंडे को गार्लिक, लौंडो का गार्लिक ब्रेड। अच्छा, लौंडो वाला। हाँ, हमारा लहसुन होता है। अच्छा वो नहीं बताया तो सोचे है। अभी मैं हूँ सिंगापुर में और बारिश हो रही है और अपने इंडिया में चाय पकौड़े खाए जाते हैं और हम खा रहे हैं गार्लिक ब्रेड उस सूखे सूखे। अच्छा ना है यहाँ। वो तो घूम रहा है बारिश में बाहर, कोई तो करंट नहीं लगेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, कहीं जगह होगा लिखा होगा। अच्छा, उसी स्पेसिफिक एरिया पर।